शेयर किया है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, और एक काफी खान जो था उस वक्त ढाका, वो कहता है कि नसीबुद्दीन हाकम, एक हाकम था वहां पे नसीबुद्दीन नाम का, तो वो भी जो है खंडे बाटी की पहुल छक के गुरु का सिंह बना था, और खंडे बाटी की पहुल छकने के बाद उसने अपना नाम क्या रखा, नसीरुद्दीन से नसीर सिंह उसने नाम रखा था, और नसीर सिंह बन गया खालसा फौज में शामिल हुआ था। तो ये सब जो था ये हुआ। तो जैसे जैसे जो था वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जो वहां पे तेज जो है बढ़ते जाता, प्रताप बढ़े जा रहा था, वो अपने एक से के बाद एक के बाद एक वो अपनी जगह में फतेह किए जा रहे थे, और जो है वो खालसा राज स्थापित धीरे धीरे होते जा रहा था। जैसे ये बात पहुंचती है दिल्ली सल्तनत के बादशाह के कानों में, जो बादशाह रहता है वो भौचक्का रह जाता है, हिल जाता है उस वक्त। ये कैसे हो गया, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक समाना नाम की जगह ही फतेह कर ली, कपूरी भी सरहिंद में फतेह कर ला, मुस्तफाबाद फतेह कर ली, मतलब कि मुगल सल्तनत से जो हार से कई जो राज्य जो थे उनके वो छूटे जा रहे थे, छूटे जा रहे थे। इसमें से क्या हो गया, मुगल सल्तनत जो थी वो हिल के रह गई थी, पूरी की पूरी जो मुगल सल्तनत हिल गई थी कि ये क्या हो गया। तो पूरी की पूरी मुगल सल्तनत जो थी वो बाबा बंदा सिंह बहादुर को खत्म करने के लिए पूरे जो है वो ने तैयारी कर ली थी, पूरा प्लान बना लिया था कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो हरिणी का राज कायम कर रहा है, जो खालसा राज कायम कर रहा है, इसको कैसे भी ना कैसे तरीके से खत्म किया जाए। क्यों खत्म किया जाए, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पीछे क्या सोच काम करी थी, गुरु गोबिंद सिंह जी की सोच काम करी थी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था राज करेगा खालसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा, खालसा मीन प्योरिटी के राज, शुद्धता का राज, पवित्रता का राज, जिसमें हर एक को फ्रीडम हो, हर एक जो है वो आजादी से रह सके, किसी के ऊपर जुल्म ना हो, ये आता है खालसे का राज। तो जो है ये जो राज था वो मुगल सल्तनत को परवाह नहीं था, इसलिए मुगल सल्तनत जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर को जी को पकड़ने के लिए और खत्म करने के लिए पूरी जो है वो तैयारी कर ली गई। और ठीक है, तो ये विचारधारा किसकी काम करी थी, खालसा राज की, गुरु गोबिंद सिंह जी की, ठीक है। उस वक्त ये खालसा राज काम करी थी, भले आज के जमाने में अगर देखा जाए तो कुछ, अगर हम कुछ समय पीछे जाते हैं तो एक ये न्यूज बताते कई लोग ये बताते कि मेरी थी, छपी हुई थी या आई हुई थी, मैं तो देखा नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि उस वक्त किसी ने ये कहा था कि देश के रिवाज के अनुसार, देश के रिवाज में रहकर अगर कोई कौम राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा की बात करती है, तो इस कौम के लोगों की, लोगों का सर नहीं बल्कि इनकी जबान काट के हाथ में दे देनी चाहिए। तो ऐसे लोग भाई हमको मिलते, ये चीज बताना मैं ऐसे जरूरी समझा कि हर चीज बतानी जरूरी है, कि कई लोग खालसा राज के बारे में बुराई करते हैं, कुछ पता नहीं रहता है, फिर भी तो ये बताना जरूरी समझा कि खालसा राज का मनी क्या। और ये मैं लोगों को जगाने के लिए बोला हूँ, ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे, कि लोगों को पता रहे खालसा राज क्या है, और लोग जो इसकी बुराई करते हैं वो बुराई क्यों करते हैं, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि वो सत्ताधारी जो है उनको डर है, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि खालसा राज अगर हो जाएगा तो करप्शन बंद हो जाएगा, लोगों को जुल्म जो करना बंद हो जाएगा, लोगों को दबाना कुचलना वो बंद हो जाएगा। तो ये जो सत्ताधारी कुर्सी की जो लालच में आके जो लोग जो पूरे जो है उसमें घुले मिले हुए हैं, उनको डर है खालसा राज का, और वही लोग ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि खालसा राज स्थापित हो, वो नहीं चाहते कि लोगों को उनके अधिकार मिले, इसलिए लोग बुराई करते हैं। इसलिए मैंने आपको जगाने से कहा कि खालसा राज मिनी क्या है, और कौन लोग जो इसकी बुराई करते हैं, जो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, वो कौन लोग हैं, उनको पहचानी, क्योंकि वो चाहते नहीं कभी खालसा राज हो, लोगों को दृष्टि से मिले, वो बस अपनी ही जो है वो अपनी अपने स्वार्थ के लिए जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये है फिर तो मुगल सल्तनत जो है उस वक्त खालसा राज से जुड़ती थी। आज की भी अगर अपन देखें सरकारें, जालम सरकार है, आज भी खालसा राज के नाम से थर थर कांपती है, क्योंकि उनको मालूम है खालसा राज का अगर जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, अगर सबको पता लगेगा तो हर कोई खालसा राज चाहेगा। अभी आप किसानी आंदोलन से ही देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, वो एक इमेज बनी हुई खालसा राज की। और मैंने कई लोग जो है मैं देखा खालसा राज की जो बात कर रहे हैं, जो नॉन सिख है उनका सिक्की से कोई रिलेशन ही नहीं है, सिक्की से कोई को जुड़ाव नहीं है, जुड़े ही नहीं है, तो फिर भी लेकिन हलिमी का राज, खालसा राज की बात कर रहे हैं कि भाई खालसा होना चाहिए, इसमें लोगों को अधिकार मिले, लोगों को उनके हक मिले, इसलिए जो है ये जालम सरकारें कांपती है, खालसा राज के नाम से ही कांपती है। तो खालसा राज क्यों कांपती है, क्योंकि ये सबके साथ सबको अधिकार देने की बात करता है खालसा राज, सबके साथ जो है वो एक तरीके का बर्ताव करने की बात करता है, और मेन ये चीज है, एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करता है खालसा राज, कि जो कौम, जो कम्युनिटी, जो तबका कभी राजभाग पाने की जो कभी उसने सोचा ही नहीं रहता है, कभी उसने ये उसके मन में विचार ही नहीं रहते कि वही वो राजभाग काम करेगा, उस कम्युनिटी को उठा के जो है वो राजभाग दिया जाता है, ये होता है खालसा राज। खालसा राज का ये कंसेप्ट है कि जो दबी कुचले लोगों को जो उठा के उनको राजभाग दिया जाए,
क्योंकि जो दबा कुचला रहेगा वो उससे उससे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता कि लोगों के हक उनके अधिकार कितने मायने रखते हैं, उसके वो ही समझ सकता है। इसलिए खालसा राज का ये मीनिंग कंसेप्ट कहता है कि जो दबे कुचले हैं, जो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम जो राजभाग के जो बनेंगे उनको राजभाग दिया जाता है, तो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल की जाती है खालसा राज में, सिखिज्म में जो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया जाता है। इसके आप एक कई एग्जाम्पल्स हैं जो सिखिज्म जो है कई इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करती है, जैसे कि जो चंपा साहब की जो जंग थी 40 सिंह एक तरफ, एक तरफ 10 लाख की मुगल सेना फतेह की, इसको सिंगो की, ये एक इम्पॉसिबल चीज थी बोलते हैं, लेकिन पॉसिबल हुई क्यों हुई, कि पीछे खालसा कंसेप्ट है, पीछे गुरु गोविंद सिंह का कंसेप्ट है, पीछे सिखिज्म का कंसेप्ट है, ये एक इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हुई। और जब महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा राज स्थापित किया उस वक्त सिख कौम को बने हुए कितना टाइम हुआ था, कितने साल हुए थे सिख कौम को बने हुए, ज्यादा से ज्यादा कितना 250 या 300 साल ऐसा लगभग हुआ होगा, 250 या 300 ज्यादा बोल रहे, शायद 350 साल या तीन मतलब 250 से 300 के बीच में कुछ हुआ होगा जब खालसा राज स्थापित हुआ ऐसा 1799 में उस वक्त। तो उस वक्त आप सोचिए कौन जो कि 200-250 साल पहले बनी थी, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमको राजभाग मिलेगा, उसको भी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खालसा राज बख्शा। यही कंसेप्ट था कि जो जिन्हें उनको खालसा राज में जो भी वहाँ पे उच्च अधिकारी बने, वो आप देखोगे वो कुछ मुगल कम्युनिटी में से, मुस्लिम कम्युनिटी में से थे, कोई हिंदू कम्युनिटी में से थे, खालसा राज में जो उच्च ऊंची ऊंची पोस्ट में बैठे हुए थे, मतलब वो जो दबे कुचले लोग थे उनको जो है वो ऊंची दर्जे दिए गए थे खालसा राज के अंदर। ये एक जो है पॉइंट रहता है खालसा राज की सोच का, ये रहता है। तो ठीक है, इसीलिए जो है इसी तरह से जो सत्ताधारी जो है वो डरते हैं कि कहीं लोगों के अंदर ये ना आ जाए, क्योंकि अगर ये लोगों के अंदर भाव जा जाएगा तो उनकी कुर्सी को छीनने के लिए एक दिन जाने से एक दिन भी नहीं लगेगा। इसीलिए तो इसी में एक कवि ने बहुत शानदार कहा है, जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी पई ना कटारी, तिन्हीं को सरदार बनाऊं तभे सिंह तभे गोविंद सिंह नाम का, कि मतलब जो दबे कुछ दिन होंगे उनको सरदार बना के उनको बादशाही दूं, उनको बादशाही दूं, क्योंकि ये हमारी एक गुरु साहब ने हमको ये कंसेप्ट दिया है, हम राखत पातशाही दावा, ये हम पातशाही का दावा रखते हैं, दबे कुछ दे रहे हो पातशाही का दावा रखते हैं, तो यही जो कंसेप्ट है खालसा राज का। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के पीछे वो क्या सोच काम कर रही थी, ये यही सोच काम कर रही थी जो मैंने आपको बताई, और यही सोच जो है वो इससे तकलीफ थी उस जालम सरकार को, और आज की भी जालम हुकूमत को इस सोच से जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा एलर्जी रहती है। लेकिन ये हमारे गुरु का कंसेप्ट दिया हुआ है हमको, और इस कंसेप्ट को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे गुरु का कंसेप्ट है, ये मानवता की भलाई का कंसेप्ट है, मानवता की भलाई मतलब एक देश के लिए नहीं, लिमिटेड एरिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे यूनिवर्स यूनिवर्स के लिए जो है ये भलाई का एक कंसेप्ट है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम जो है हिस्ट्री को जानें। तो ये कुछ जो पॉइंट थे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मैंने आपके सामने लेकर आया, और आने वाली वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं और नहीं बताऊंगा, आने वाली वीडियो में हम और जो है वो कंसेप्ट आगे और मैं जो है पॉइंट आपको बताऊंगा। तो आज इतना ही, हम इसी से हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, और अगर आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हो कि हम और आगे ऐसे ही वीडियोस लेके आए, आपको ऐसी जो चीज़ें बताएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके प्लीज़ बताइए, फीडबैक दीजिए, और प्लीज़ मैं विनती करूँगा अपने सिख यूथ से कि प्लीज़ आप हिस्ट्री पढ़िए और अपने धर्म धर्म में परपक्क होइए, गुरु की खालसे बनिए, जो खालसे विचारधारा है उसको अपनाइए। इसी के साथ जो है मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा।